हेलो दोस्तों, प्रणाम। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं ये बताऊँगा कि आप लोग आधार कार्ड ऑनलाइन कैसे एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर आपका जैसे कि आप बिहार में रहते थे, ठीक है दोस्तों, अब आप जाके दूसरे शहर में रह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया दिल्ली, हो गया पंजाब, हो गया किसी भी शहर में, आप दूसरे शहर में रह रहे हैं, या बिहार में आप गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में रह रहे थे, अब जाके पटना में या और कोई डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, तो ऐसे कैसे आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं, आपका भी और आपका बच्चा का भी, जो भी है उनका बच्चा का भी एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सीधे आ जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल फॉर्म पर आधार। ठीक है, देखिए पहले वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद देखिए लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, जो भी आपका लैंग्वेज होगा वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये वाला ऑप्शन अब खुल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल सा हमें माई आधार पे जाना है, यहाँ पे डाउनलोड वाले आधार पे क्लिक करना है हमें। तो देखिए नया उनका जो वेबसाइट है वो वाला वो खुल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, लॉगिन करने के बाद इस तरह का कुछ ऑप्शन आपको दिखाएगा। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे हम लोग ये जो फोटो वाला आइकन दिया है यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हम लोग का जो भी नाम वाम होगा, ठीक है, पहले से, तो ये यहाँ पे शो करेगा। पीछे का भी एड्रेस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आया है ऑनलाइन अपडेट सर्विस, यहाँ पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे देखिए अपडेट आधार ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक कीजिए दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों लिख रहा है प्रोसीड टू अपडेट आधार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहा है, आप नाम दो बार सुधार कर सकते हैं। ठीक है, जेंडर और एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ एक ही बार सुधार होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एड्रेस चेंज करना है, तो यहाँ पे एड्रेस पे चेंज क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट आधार क्लिक करिए। इसके बाद देखिए, ये वाला हमारा पुराना वाला एड्रेस जो करेंट एड्रेस लिख रहा है, ये वाला पुराना वाला एड्रेस है। अभी जब हम नया वाला देंगे एड्रेस, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिन कोड देने के बाद यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट आ जाएगा अपने आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका विलेज, कौन से विलेज में आप रह रहे हैं वो गांव का एड्रेस दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट मान रहा है एग्रीमेशन एडिक्शन अलॉटमेंट लेटर, अगर आपके पास कोई सरकारी सरकारी जॉब वॉब लगा है उसका अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे लगा सकते हैं। आर्म्स लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस का मतलब ये हो गया कि दोस्तों अगर हथियार का लाइसेंस, जैसे कि बंदूक वंदूक जो रखते हैं ना, वो उनका लाइसेंस यहाँ पे, बैंक स्टेटमेंट और उस पर लाइसेंस पे आपका यहीं का एड्रेस जहाँ आपको सुधार करवा रहे हैं, मान लीजिए कि राजापट्टी का आप सुधार करवा रहे हैं, तो राजापट्टी का ही वहाँ जो लाइसेंस पे एड्रेस रहना चाहिए। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट से, बैंक पासबुक से भी हो जाएगा। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स भी। और दोस्तों इसमें से आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप सिंपल से आपके जो मुखिया होते हैं, ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए मुखिया का ऑप्शन दिया है एक। देखिए यहाँ पे भी गाँव में अगर देहात क्षेत्र से आप रहते हैं तो यहाँ पे देखिए मुखिया का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो देखिए एमपी, एमएलए, एमएलसी, एम एक म्यूनसिपल काउंसिलर, म्यूनसिपलिटी जो काउंसिलर होते हैं वो भी अगर यहाँ पे सिग्नेचर इस वाले फॉर्मेट पे, देखिए मैं बता देता हूँ, इस यही वाला फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखा देता हूँ सिग्नेचर करके लाए हूँ, तो देखिए विलेज पंचायत का है,
ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरह से आप सिग्नेचर करवाना है, उनके पास जाना है, यहाँ पे एक फ़ोटो लगा लेंगे आपका, ठीक है। उनके बाद उस वो आपको खुद यहाँ पे एड्रेस भर देंगे, जो भी उनका मुखिया का नाम होगा, यहाँ पे उनका नाम, यहाँ पे उनका मतलब कि कौन से पोस्ट पे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने टिक मारा है, वो विलेज पंचायत मुखिया, तो यहाँ पे वो लिखना है विलेज पंचायत हेड मुखिया, और वो गजटेड ऑफिसर होते हैं तो यहाँ पे हम लोग गजटेड ऑफिसर लिखते हैं, ठीक है। अगर तहसीलदार होंगे तो यहाँ पे तहसीलदार लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको स्कैन करके, ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आप स्कैन करके यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए जो यहाँ पे अटैच लिखा हेड पंचायत मुखिया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग अटैच कर देंगे। और एक बात बता दूँ, अगर आपके बच्चे का एड्रेस सुधार करवाना है तो उसका करवा कैसे से करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला देखिए, ये वाला एक स्कूल का बच्चा का है, ठीक है। देखिए तो स्कूल के ये जो आप देखा है हेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एडुकेशन, आप जो वो जो स्कूल में पढ़ता है स्कूल में जाइए, इस फॉर्म को लेकर, इस फॉर्म को लेकर जाइए। उसके बाद स्कूल में उसका साइन सिग्नेचर, यहाँ पे देखिए हेडमास्टर का नाम होगा, हेडमास्टर यहाँ पे देखिए लिखे हेडमास्टर लिखा है, ठीक है। उसके बाद उनका स्कूल का एड्रेस यहाँ पे देना होगा, फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे मोहर सिग आप फिर सिग्नेचर, फोटो पे भी मोहर सिग्नेचर करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसे आप जाकर सुधार करवा सकते हैं, ठीक है, एड्रेस। और इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो देखिए हम लोग पहले वाले जो ऑप्शन पे आए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, जो माई आधार पे आने के बाद देखिए कोने में लिख रहा है लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ तो देखिए क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे चार नंबर ऑप्शन पे देखिए ये वाला फॉर्म आ गया। इसको आप सेव करके साइबर कैफे में जाके प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है दोस्तों। प्रिंट करवाने के बाद हम लोग आप लोग वहाँ पे जाइए, मोहर सिग्नेचर करवा के लेकर चले जाइए, और ऑनलाइन भी आप मोबाइल से भी सुधार करवा कर सकते हैं, ठीक है। और बात एक दोस्तों जान लीजिए, जो फॉर्म है ये भी कहीं से भी फटा वटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है आपका, जो अप्लाई करेंगे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए विलेज पंचायत मुखिया, यहाँ पे हम क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट का जहाँ पे है हम लोग का वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट उनका लगे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट, देखिए दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आया है, जैसे कि आपने जो भी यहाँ पे लिखा है वो सही है ना गलत है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देख सकते हैं, ठीक है। और गलत होगा तो एडिट वाले ऑप्शन पे जाके आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का सही है, तो ये दो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे हम लोग। तो ये नेक्स्ट करने के बाद ये वाला ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है एक बार फिर से, यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए इसके बाद, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपके पास नहीं है तो यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, पेटीएम से, देखिए यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी है उसका जैसे पेटीएम है, यहाँ पे पेटीएम नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल पे 50 रुपये के पेड करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, 50 रुपया इसमें कटेगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है पेएबल नाउ 50 रुपीज, ठीक है। तो 50 रुपया कट जाने के बाद दोस्तों ऐसा ही कुछ आपके पास रिसिप्ट निकलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पहले सुधार किया है, नाम और उनका एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये वाला डॉक ऐसे ही रिसिप्ट निकलेगा, इस रिसिप्ट को रख लेना है, ठीक है। और ये वाला जो आपको दिखा रहा है ये, ठीक है, तो इसी से ही आपका आधार का एड्रेस चेक होगा, कि जैसे कि स्टेटस चेक हो जाए आपका सुधार हुआ है या नहीं, मैं को चेक करके बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों।
तो सिंपल सा हमें वही वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे मांग रहा है एंटर एनरोलमेंट नंबर, एसआरएन नंबर और यूआरएन नंबर, तो हम लोग का एसआरएन नंबर है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए सबमिट। यहाँ पे सबमिट कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों योर आधार हैज बीन जेनरेटेड, ये सुधार हो चुका है, मैंने कम से कम 2-3 हफ्ते पहले किया था, ये सुधार हो चुका है, और सुधार नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखे दिस एनरोलमेंट इज प्रोसेस कैन बी वेट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही लिखता है, तो आप कम से कम ऑनलाइन सुधार कीजिएगा, तो 1 हफ्ते के अंदर में सुधार हो जाता है, तो और कुछ टाइम भी लग सकता है कुछ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप आपका एड्रेस सुधार करा सकते हैं, आपका आपका बच्चे का घर में किसी का भी अगर एड्रेस चेंज करवाना है तो ऐसे आप करवा सकते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला हुआ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।